भाई मैं पहली बार इतनी भीड़ में ऐसे बोल रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। बस स्टैंड पे हो गया है हमारे साथ लोचा। तो हे व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल, उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। तो आज मैं सुबह सुबह उठ गया हूँ जल्दी, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ अपने जीजू के साथ पंजाब। तो वैसे बहुत लेट हो गया हम अभी, तो चलो निकलते हैं घर से, तो फिर आपको रास्ते में मिलते हैं। तो चलो पहले यहाँ से गाड़ी बैठ के चलते हैं, तो फिर आगे उतर के तो मिलते हैं आपको। तो चलो यहाँ उतरते हैं, फिर पकड़ते हैं पंजाब के लिए बस। तो अभी हम पहुँच चुके हैं बड़ी ब्राह्मणा, यहाँ से हम बैठेंगे बस, उसके बाद आपको मिलते हैं रास्ते में। पहले बस पकड़ लेते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक भी बड़ा ज़्यादा है, रोड क्रॉस कर लूँ पहले मैं। तो अभी हम खड़े हैं बड़ी ब्राह्मणा चौक में, जहाँ कर रहे हैं हम गाड़ी का वेट। तो जैसे ही गाड़ी आती है फिर हम चलते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फाइनली हम बैठ चुके हैं बस में, हमें गाड़ी मिल गई है। तो कितनी खुशी होती है जब आपको फ्रंट सीट मिले ड्राइवर के पीछे, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। तो ये जो आप देख रहे हो ये है चिची माता जी का मंदिर, यहाँ पे भी हम आपको फिर कभी लेके चलेंगे। तो गाइज अभी मुझे गुस्सा भी आ रहा है और रोना भी आ रहा है इन दुकानों को देख देख के, क्योंकि मैं कितनी देर से वेट कर रहा था कि पहुंचेंगे तो फिर खाऊंगा मैं राम लड्डू, पर भैया ने गाड़ी रोकी नहीं यार। पर चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम खा लेंगे, इस बार नहीं। तो लो फाइनली शुक्र है कहीं तो गाड़ी को उन्होंने रोका, मेरा बड़ा ज़्यादा बुरा हाल हो गया था भूख से। आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे रोका है इन्होंने ढाबे पे। तो यहाँ से भी हम पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद मैं तो गाड़ी में बैठ के लगा सोने, मेरे को बड़ी नींद लगी है। बड़ी मुश्किल से जाग रहा था मैं गाड़ी में, इसीलिए जाग रहा था क्योंकि मैं सुबह भी घर से कुछ खा के नहीं निकला था, इतनी भूख लगी है मेरे को। तो मैं एक बार पहले आपको मौसम भी दिखा देता हूँ, आज तो मौसम भी कितना अच्छा हो रखा है।
चलो अब मैं चला खाने। तो ऑर्डर हमने दे दिया है खाने के लिए, अभी वेट नहीं हो रहा आपसे। आलू पराठा और गोभी पराठा अभी हम खाएंगे, आलू पराठा और गोभी पराठा। तो खा के फिर उसके बाद करते हैं। अभी खाना हमने खा लिया है, चलो वापस चलते हैं गाड़ी में। अब नींद भी बड़ी आ रही है मेरे को, तो उसके बाद मिलते हैं आपको। ये जो आप टेम्पू देख रहे हो ना सामने, अजीब सा, इसको ना आठवां अजूबा भी कहते हैं। और कहते क्यों है ये तो मुझे भी नहीं पता फिलहाल। तो लो फ्रेंड्स, अभी हम वापस पहुंच चुके हैं होशियारपुर बस स्टैंड। और वापस हम यहां क्यों आए हैं, क्योंकि हम यहां से भी आगे गए हुए थे, काफ़ी लगभग 50 किलोमीटर आगे गए थे जहां से हमने जीजू का सामान लेना था। तो वहां से वापस आए हैं, तब यहां से लेते हैं जम्मू के लिए टिकट, तो फिर बैठते हैं बस में, फिर मिलते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि जम्मू की बस हमें मिलेगी कहाँ से। अभी हमें इतना भी नहीं पता कि जम्मू की बस लगी कहाँ है। जम्मू वाला काउंटर देखते हैं। तो फाइनली मिल गया है जम्मू का काउंटर। जी हाँ, ये लगी है जम्मू की बस, यहाँ से बैठते हैं, पहले टिकट ले लेते हैं। तो अभी जो एक बस थी वो तो हो गई थी पूरी फुल, उसको हमने कर दिया मिस। अभी देखते हैं कि अगली बस कितने बजे आती है, तो फिर उसमें बैठते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो भाई मैं पहली बार इतनी भीड़ में ऐसे बोल रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूँ, भीड़ देखो अभी। तो अभी जीजू जो है वो काउंटर पे गए हैं पता करने कि अगली बस जो है जम्मू के लिए वो कितने बजे आएगी। तो तब तक चलो मैं आपको थोड़ा बस स्टैंड दिखा देता हूँ होशियारपुर का। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमने जम्मू की एक बस कर दी है मिस, अब दूसरी बस ये बोल रहे हैं यहाँ पे पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यहाँ से और कोई बस लेके जाना पड़ेगा एमकेडी तक, तो उसके बाद वहाँ से मिलेगी जम्मू की बस। चलो देखते हैं क्या बनता है। भाई बस स्टैंड पे हो गया है हमारे साथ लोचा, हमें बस नहीं मिल रही है जम्मू जाने के लिए। चलो फाइनली बस आ तो गई। तो अभी हमने टिकट ले ली है, पर बड़ी ज़्यादा भीड़ है इस बस में, मेरे को लग रहा है शायद लास्ट बस है ये जम्मू के लिए। पर कोई ना, हमें तो सीट मिल गई है, तो चलो चलते हैं अब घर वापस। तो भाई अभी एक बार फिर से हमारे साथ हो गया है लोचा। हम आए हैं अब दसुआ बस स्टैंड में,
जिस बस में हम पहले बैठे थे वो बोलते रहे थे कि बस जानी है डायरेक्ट जम्मू, पर बाद में जब बस में टिकट काटी तो वो बोलते नहीं कि आपको दसुए से मिल जाएगी जम्मू की गाड़ी, तो अभी दसुए से देखो मिलती है कि नहीं। भाई बस में LED देखने का तो अपना ही मज़ा है, इसमें तो मज़ा बड़ा आ रहा है, पर क्या फ़ायदा, ये बस भी जाएगी पठानकोट तक, हमें आगे जाके फिर से दूसरी बस चेंज करनी पड़ेगी जम्मू के लिए, तो चलो क्या करना है अब। भाई यहाँ पे गाड़ी वाले की और बस वाले की लड़ाई हो गई है, हुआ पता नहीं क्या, हम तो अभी पहुँच रहे हैं, ये पहले से ही लड़ रहे थे। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं घर, टाइम हो रहा है रात के 12:30, तो वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। सो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।